इवेंट की तैयारी हो रही है। बस अभी मैं ये इससे थोड़ा ये साफ कर रही थी। लाइट नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। मतलब 3 महीने में ये इतना गंद हो गया तो है। मैंने इतनी रगड़ी है कि इनका कलर ही हट गया। किचन पूरा बाहर आया हुआ है। ये पोम्पो में ये देखिए मेरे रेडी हो गए बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ना कि कैट इसके अंदर बैठ रही है अपने बेबी लेके। इसके कर्टन्स लगेंगे वो को गर्म किया है सिर्फ मैंने। ग्लासेस कह रही हूँ। स्पून की कलेक्शन देखें आप लोग। बच्चे पानी पी पी के वो देखें। सब यहीं से जा देते हैं। सुबह 7 बजे से मैं घर में काम कर रही हूँ। सारा सामान यहाँ से हटाना है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज है फ्राइडे तो बस अभी जो है जो मैंने बताया था इवेंट की तैयारी हो रही है। बस तैयारियों में डीप क्लीनिंग हो रही है जो कि बहुत दिनों से मैंने नहीं की थी। ये देखें छत कैसी हो गई है। तो इसका कलर भी होना है और वो वाली छत का कलर भी होना है इंशाल्लाह आज हो जाएगा। तो बस अभी मैं ये इससे थोड़ा ये साफ़ कर रही थी यहाँ पर। और लाइट चली गई है काम के दौरान। ऐसा तो होता है। लाइट नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगा हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान वैसे बुरा नहीं है। बस लाइट्स पाबंदियों से जाती है। कहते हैं ना पाकिस्तान बुरा नहीं है लेकिन वक्त का पाबंद है। जो कि लाइट्स वगैरह जो होती हैं वो पूरी पाबंदी से जाती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए हर चीज़ का टाइम जो है वो यहाँ फिक्स है। तो अभी जो है मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ थोड़ी बहुत। इसके बाद ये सारा वॉश करूँगी। इधर से ये सिंक भी वॉश करूँगी, ये मार्बल भी वॉश करूँगी। ये करीब से देखें इस पे ना थोड़े बहुत निशान पड़े हुए तो ये भी साफ़ करना है। चूल्हे के पीछे का तो मैं कर लेती हूँ डेली पर ये थोड़ा सा है जो नहीं कर पाती हूँ रह जाता है। बाकी आप ये देखें सारा क्लीन है क्योंकि मैं करती हूँ। बस ये पता नहीं क्यों मेरे जहन में ही नहीं आई ये जगह। बाकी इधर की हो गई है सारा। अब इधर का रह गया है। मैं अभी बाकी का पूरा करके और अभी ये सारा सामान निकाल के नीचे से भी सारा सामान निकाल के पूरा खाली करके अच्छे तरीके से सफाई करके दोबारा से सामान लगाती हूँ। फिर मिलते हैं। 2000 years later. देखें जी बिल्कुल क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दीवारें भी एकदम आपको ये शाइनिंग दिख रही होगी एकदम साफ चमकदार। ये देख रहे हैं आप लोग। ये मैंने इसको खारे पानी से वॉश किया है तो हल्का हल्का सा ना वाइट वाइट निशान आ रहे हैं। अभी इसको ड्राई कपड़े से भी साफ़ करूँगी। और मैंने इसको भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और चूल्हे तो वैसे मैं डेली साफ़ करती हूँ लेकिन आज मैंने ये अंदर से भी इसके ये जो होल बने हुए होते हैं ना अंदर तक सारा साफ़ किया है। विंडो भी साफ़ की है और यहाँ से भी साफ़ कर लिया है। अब जो है नीचे रह गया ये देखिए सामान रखा था। सामान के पीछे क्या हाल है। ये कोई मैंने ईद पे सफाई की थी। ईद में कितने गए होगा टाइम। ईद का महीना और बकरीद का महीना, बकरीद मुहर्रम और सफ़र, मतलब 3 महीने में ये इतना गंद हो गया। तो अभी इसको भी साफ़ कर लेते हैं। बोर्ड वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। और ये चूल्हे की जालियाँ जो हैं मैंने इतनी रगड़ी हैं कि इनका कलर ही हट गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो? मैंने इतनी रगड़ डाली कि इनका ना ये कलर हट गया है। तो हस्बैंड से कहूँगी कि इसका कलर करवा दें। तो पहले ये वाली साइड साफ़ करूँगी, सामान सेट करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये, क्योंकि बाहर जो है मेरा किचन पूरा बाहर आया हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। आज का व्लॉग शायद थोड़ा लंबा भी हो जाए। मैंने अवन भी रखा है। बेटा आपका पैर अवन के शीशे पे लगेगा। तो मैं ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से चुटकी बजा के। A few moments later. ये देखें जी अभी फ़िलहाल तो मैंने यही लगाया है। ये कैसे लग रही है पहले तो आप ये बताएं। करीब से दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये पोम्पो में ये वाले
और ये इस तरह से लड़ी बनी हुई है, और अभी तो पूरा घर ऐसे फैला हुआ है मेरा। Oh my God! अभी सिर्फ वहाँ के कर्टन्स दिए हुए थे मैंने बनने के लिए, और वो बनकर आ गए हैं। किचन के हैं ये, बस मैं यही लेने गई हुई थी मार्केट में, और ये देखें मेरे रेडी हो गए हैं बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिले हुए हैं, वाइट और मैरून कलर। और देखें एक ये वाला कर्टन था जो ये लगा हुआ है ना, ये भी मैंने रेडी करवाया है। अभी जो है यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है मेरी अलमारी, तो इसलिए मैंने ये इसको ऐसे लगा लिया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ से सारा सामान मैंने हटा दिया है, और ये अशलीना को देखें, अशलीना की कैट इसके अंदर बैठ रही है अपने बेबी लेके, तो अशलीना ने इस तरह से कर दिया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और अभी इसका कलर रह गया है छत का ऊपर की। मैं और दिखाती हूँ आप लोगों को अपना किचन थोड़ा बहुत, जो कि मैंने ये लगाया है अभी, ये आर्टिफिशियल बेल जो होती है ये लगाई है। यहाँ से सब सामान हटा दिया है, यहाँ से भी ये, यहाँ से हटा के ये ऊपर रख दिया है मैंने। और अभी बाकी ये सामान है जो मैं परचेस करके लाई हूँ रेगुलर यूज़ के लिए। गिलास ख़त्म हो गए थे तो गिलास लेकर आई हूँ, और ये कप्स लेके आई हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। रमज़ान का मतलब कुछ बना हुआ है इसमें ना डिज़ाइन, चांद बना हुआ है, और इसका नाम है ईशा, ISH ईशा जी बेटा। और ये लेकर आई हूँ, वॉज लेकर आई हूँ, तो उसके लिए ये फ्लावर्स लेकर आई हूँ बनाऊँगी। अभी जो है ये सारा मैं कर रही हूँ डेकोरेट। अभी ये मैंने इसको डबल कर दिया है, फ़िलहाल जो है कैबिनेट नहीं बनवा रही हूँ, कोई रीज़न है इसलिए। अभी मैं किचन बनवा रही थी लेकिन अभी नहीं बनवा रही, रुक गया, तो ये मैंने डबल कर दिया है। नीचे भी सामान रख लिया, और यहाँ पर भी इस तरीके से सारा सामान रख लिया है। ये देखें, तो आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। अभी भी ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर इसके कर्टन्स लगेंगे, वो वाले कर्टन्स जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने बनवाने दिए हुए थे। तो आप लोग मुझे बताएं कि मेरा ये सब कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। कैट है अच्छा, और इसका भी बताइएगा कि ये वाला जो मैंने कर्टन लगाया है ये कैसा लग रहा है। और अभी ये देखें ऊपर की जो छत है ये किस तरह की हो रही है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आप लोगों को ये बिल्कुल क्लीन मिलेगी, साफ। और ये वाली भी जो है कल के व्लॉग में एकदम क्लीन और बहुत अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। पूरा घर बहुत अच्छा हो जाएगा, डेकोरेट हो जाएगा प्यारा सा। तो अभी चले मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। मैंने फ़िश बनाई है, दिखाती हूँ। तो मैंने देखें, पहले तो मैंने दोपहर में ये सालन बनाया था आलू गोभी का, और अभी मैंने मेरा हाथ चल गया, और अभी मैंने फ़िश बनाकर इसमें सेव कर ली है ऐसे करके। फ़िश थोड़ा जल्दी बना ली थी काम करने से पहले, बनाकर मैंने फ्राई करके रख ली थी, और अब इसको गर्म किया है सिर्फ मैंने। चले मैं ये सारा सामान बाकी का जो ये काम है ये मुझे वॉश करने हैं, वॉश करके इसमें, ये मेरे रेगुलर यूज़ के ग्लासेस कह रही हूँ। तो चलें भैया, शलीना बुला रही हैं। अभी जो इसके जिसके अंदर ये रखे हुए थे मेरे स्पून, ये कैसा हो रहा है, ये इस पर ना खारे पानी के निशान पड़ गए, ये सारे साफ़ करके ना, तो फिर मैं ये मेरे स्पून की कलेक्शन देखें आप लोग कितनी ज़्यादा है। ये जो है वुड है, वुड स्टोन स्पूनस हैं, ये सिलिकॉन ये वाले हैं, सिलिकॉन नहीं है ये, मुझे नहीं पता ये क्या होती है, ये वाले हैं और स्टील के हैं। सिलिकॉन का तो जस्ट यही है, अभी मुझे और भी बाय करनी सामान। तो चले मैं बाकी काम करती हूँ और फिर व्लॉग में दिखाती हूँ। बच्चे कार्टून देख रहे थे और देखते देखते सो गए हैं, अंशरा भी सो गई हैं मज़े मज़े से, और अशलीना भी सो गई हैं। मोहम्मद रान नहीं सो रहे हैं क्योंकि ये सो गए थे, लेकिन मैं इन्हें फिर भी ज़बरदस्ती सुला दूंगी। ये देखें बच्चे पानी पी पी के, वो देखें सब यहीं से जा देते हैं। तो वैसे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिए, सारा एकदम क्लीन हो गया। ये इसलिए बिखरा हुआ है कि ये मैं कल दिखाऊंगी क्यों बिखरा हुआ है, इनको मैं वॉश करके रखूंगी। तो बस अभी मैं बहुत थक गई हूँ, और ये मैंने वॉश करके लगा दिए थे। तो चलें जी, बस आज मैं इतना ही ब्लॉग बना पाई हूँ क्योंकि काम बहुत किया है। सुबह 7 बजे से
मैं घर में काम कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग की है मैंने, पूरे घर की सेटिंग भी थोड़ी बहुत चेंज करनी है। सुबह ये सारा सामान यहाँ से हटाना है इवेंट के लिए, जो घर में मेरे तकलीब है उसके लिए, तो पूरा घर साफ़ करना है एकदम क्लीन। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलूँगी और यही व्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। इतना ब्लर क्यों आ रहा है? तो पूरे घर की लाइट्स ऑफ की हुई हैं, बच्चे सो रहे हैं इसलिए, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ये माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, ये जो मैंने ये लगाया है ना, यकीन माने सिस्टर की बेटी आई थी अभी, अभिषा, तो आते ही बोला दुल्हन का घर, आनी दुल्हन का घर, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी फ्लावर लगा दिए हैं, यहाँ पर भी, तो ये देख के बोली आनी दुल्हन का घर। तो भाई मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, खुश रखें, खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार बाँटें, फ़ी अमानिल्ला। और कल इंशाल्लाह तीसरे पार्ट ईद मिलादुन्नबी की जो प्रिपरेशन है, वो इंशाल्लाह कल तीसरा पार्ट व्लॉग बनेगा और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये पार्ट टू है, ये मेरे जो है चार इसके पार्ट होंगे, तो इवेंट तक चार पार्ट होंगे और आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो फ़ी अमानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।